हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम इंग्लैम विद पूनम लाइफस्टाइल। गाइस, आज मुझे कुछ अलग लुक में देख रहे होंगे आप लोग। नोटिस किया कि नहीं किया, जल्दी से कमेंट करो। तो मेरे बाल मैंने काट लिए हैं, मैंने अपने हेयर कट किए हैं, इतने से इतने हो गए हैं। तो ये हेयर कट मैंने कैसे किया है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और वीडियो अच्छा लगे, मेरा बाल आपको, मेरा जो हेयर कट है वो अच्छा लगे कि घर बैठे कैसे हम कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे मेरा आइडिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मेरे जो बाल थे वो नीचे से ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, बहुत, जो नीचे से मतलब कि स्प्लिट एंड्स और बहुत, दो मुए बाल तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हेयर में थी मेरे, मतलब कि इतना ज़्यादा कि मुझे ना बहुत गंदे लग रहे थे। मुझे एक्चुअल में शॉर्ट बाल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बाल की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब ऑफिस, ये वो, इतनी सारी चीज़ें होती लाइफ में, हमारा जो बिज़ी रूटीन होता है ना, उसकी वजह से हम अपने बालों का केयर नहीं करते। तो जिस कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हेयर कट करना ज़रूरी हो गया था बहुत ज़्यादा। अब बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, आप वीडियो पूरा देख लेना, बिल्कुल स्किप मत करना गाइस। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। मैं आपको बहुत सारे, मतलब कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप लोग जाके चेक कीजिए। मतलब कि मेरे मेकअप से रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स बहुत, मीशो हॉल है बहुत सारे, तो आपको अच्छा लगेगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग वो भी जाके देखिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप लोग कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, मुझे आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते यार। आप लोग ऐसा सोचते होंगे तो बिल्कुल मत सोचिए, मुझे कुछ नहीं मिलता है। वो एक मेरे लिए एक मेरी खुशी होगी, हाँ मेरी मेहनत मुझे रंग ला रही कि लोगों को पसंद आ रहा है इसके लिए, आखिर मुझे कुछ मिलता नहीं उससे। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। इससे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं इनके लेंथ छोटे कर रही हूँ क्योंकि हमारा ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डैमेज है ना वो नीचे से होता है ऊपर की तरफ। तो इसके लिए मैं बाल को शॉर्ट कर रही हूँ, और भी घर बैठे और भी 5 मिनट के अंदर। और तो फिर गाइस, आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो आप लोग भी देखिए कि मैं कैसे अपने हेयर कट कर रही हूँ, और भी घर बैठे फटक से 5 मिनट का काम है सिर्फ। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले बालों को कोम करना है अच्छे से, बाल में जितनी भी उलझने हैं, मतलब कि बाल जो लट हैं, बालों में लट है, उनको सुलझा लेना है। उसके बाद बीच में से भाग निकाल के, मतलब कि मांग निकाल के दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मिडल में से ये कर लेना, डिवाइड कर लेना है। उसके बाद अच्छे से पीछे के पूरे प्रॉपर, मतलब पीछे से भी आपको बीच में से मांग निकाल लेना है, और उनको अच्छे से पूरा आगे की तरफ लेना है, दोनों साइड से आपको दोनों आगे से आगे की तरफ लेना है। और अपने गर्दन के पास ऐसे, जैसे मैं रबड़ लगा रही हूँ अपने बालों में, सेम वैसे ही करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है। उसके बाद सबसे पहले मैं नीचे के बाल को कट कर रही हूँ। मेरा जो हेयर कट है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, और ये घर बैठे आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने नीचे के बाल को कट कर लिया थोड़ा, मुझे और शॉर्ट चाहिए क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो मैं और शॉर्ट करने के लिए अभी ऊपर के बाल को करूँगी। गाइस, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। आप लोग, मैंने वीडियो अपलोड किया तो आप लोग वो भी जाके चेक कीजिए। यहाँ पर मेरा हेयर कट हो गया, बस इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने अपने पूरे बाल कट कर लिए और इतने छोटे से लेंथ रखे हैं, और आप देख सकते हो बहुत छोटा कर लिया मैंने बाल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे से भी परफेक्ट कटा है, परफेक्ट है एकदम। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइस, मेरे हेयर कट हो चुके हैं, क्या कर लिया मैंने अपने बालों के साथ में। आपने जो वीडियो पूरा देख ही लिया, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भूलिएगा मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।